बीते दिनों त्रिपुरा राज्य में घटित घटनाओं के परिणाम राज्य के नांदेड़, अमरावती और अकोला जिले में सामने आए हैं। ऐसे में राज्य के गृह विभाग के आदेश पर यवतमाल जिले के जिलाधिकारी अमोल येड़गे ने जिले में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्व प्रतिबंध उपाय योजना के तौर पर सोमवार से जिले भर में धारा 144 का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत यवतमाल सहित जिले की हर तहसील और हर गांव में 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का आदेश भी जारी हो चुका है। इसके साथ ही जिले भर में किसी भी मामले में धरना प्रदर्शन, मोर्चा, रैली, आंदोलन की अनुमति अगला आदेश जारी होने तक नहीं दी जाएगी। इस संदर्भ में सोमवार को दिग्रह शहर में प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट कर लोगों तक जमावबंदी से संबंधित सूचना पहुंचाई गई है। इस बीच शहर में कर्फ्यू लगने की अफवाह भी फैली, लेकिन आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से स्थानीय पुलिस और राजस्व प्रशासन को तहसील और शहर में उक्त सूचना लोगों तक प्रसारित करने का आदेश दिया गया, जिसके तहत सोमवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा केवल जमावबंदी के संदर्भ में अनाउंसमेंट की गई है। इसलिए जिले के निवासियों को तहसील वासियों को समझाना जरूरी है कि सुबह 8 बजे से रात को जमावबंदी के संबंध में सूचना तो दी गई, लेकिन इस बीच बाजार और विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालय अपने समय अनुसार सुचारू रूप से शुरू रहेंगे। ऐसे में किसी भी बेबुनियाद बातों और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील भी प्रशासन की ओर से दी गई है। BCN न्यूज के लिए दिग्रह से जुबेर खान की रिपोर्ट।